आज का वीडियो मेरा मकर राशि वाले फ्रेंड्स के लिए है। गुरु का परिवर्तन जो कि 1 मई 2024 को होने वाला है और यह 14 मई 2025 तक रहेगा, तो मकर राशि वालों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में यह वीडियो है। तो गुरु के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि गुरु को 4 काम दिए गए हैं, जैसे सबसे ज़्यादा व्यक्ति की लाइफ से जुड़े जो काम हैं वो गुरु ग्रह को ही दिए गए हैं। जैसे संतान नहीं होती तो संतान का काम यह गुरु का है। दूसरा शिक्षा, जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं यह कार्यभार जो है वो गुरु पर है। और शादी नहीं होती तो शादी होने के कारक रही गुरु बनते हैं। मैरिज लाइफ हमारी कैसी चलेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, तो यह सब काम गुरु को दिए गए। नमस्कार, मैं उषा रावल, आप देख रहे हो मेरा चैनल एस्ट्रो। तो आइए स्टार्ट करते हैं मकर राशि वालों पर गुरु का क्या इफेक्ट पड़ेगा। गुरु को 4 काम दिए गए हैं, संतान नहीं होना तो संतान का काम, शादी नहीं होना तो शादी कराने का काम, और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, और एजुकेशन है ना, शिक्षा व्यक्ति कितनी पूरी करेगा, यह काम गुरु ग्रह का है। नमस्कार, मैं उषा रावल, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मेरा चैनल एस्ट्रो। मकर राशि पर जो ये गुरु का परिवर्तन होने वाला है यह वृषभ राशि पर होने वाला है। मैं फ्री कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ, फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई समस्या है, उससे जुड़ा सवाल है आपका, आपके रिश्तेदार का, आपके पड़ोसी का, आपके फ्रेंड्स का, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9557587928। कोई समस्या है उससे जुड़ा सवाल मुझे ज़रूर भेजें, उससे संबंधित कोई उपाय मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कोई समस्या है तो उसका हल मिलेगा, कोई खुशी है आपकी, कोई स्माइल ज़रूर रहेगी, बस वही मुझे चाहिए। तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें, आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब, एक एक शेयर मेरा उत्साहवर्धन करेगा, ताकि और मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए और ला पाऊँगी, और फिर गुरु विश्लेषण की सेवा मेरे लिए जारी रहे। गुरु का परिवर्तन हो रहा है, ये वृषभ राशि के अंदर है, तो मकर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए ज़रूर कहूँगी, क्योंकि फिर गुरु विश्लेषण की सेवा मेरे लिए जारी रहेगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे तो मेरा उत्साहवर्धन होगा और मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए ला पाऊँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं गुरु का मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये चार्ट है मकर राशि का, आप देख सकते हैं 10 नंबर से गुरु शुरू होती है, और इसमें आपके मकर राशि में गुरु जो वृषभ राशि के अंदर आए वह पंचम हाउस में, गुरु जब बैठते हैं वहाँ की हानि करते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं। गुरु की 3 दृष्टि ग्रह जो बनते हैं वे 12th हाउस और 3rd हाउस में करा गया है। तो 12th हाउस बच्चे का, हॉस्पिटल का, विदेश का, प्लस 3rd हाउस यात्रा का, भाई बहन का, इसको प्रभावित करेंगे। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ की तो हानि करते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ की उस दृष्टि अंदर माना गया फायदा करते हैं। तो गुरु पंचम हाउस में 50% असर कम करते हैं, जैसे शिक्षा में मन कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, संतान आपकी कहना मानेगी या काम करेगी, 50% लाभ मिलेगा, ठीक है। इसकी दृष्टियाँ देखें तो आप इसमें पंचम दृष्टि बचती है, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके लक, 9th हाउस है, लक का है, जिसे कहते हैं भाग्य, तो भाग्य आपको बिल्कुल चमकेगा, पूरा साथ मिलेगा भाग्य का। 6, 7 यानी सातवीं दृष्टि पड़ती है आपके 11th हाउस, क्योंकि लाभ का है, बहुत अच्छा है, लाभ मिलेगा, काम करोगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। फिर नवी दृष्टि है 8, 9 आपकी लगन तक, आपका दिमाग बहुत तेज होगा, बहुत अच्छा चलेगा, शादी नहीं होगी तो शादी की उम्मीद मिलेगी। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। कमेंट जरूर लिखना चाहती हूँ।